इस क्रीम को फेस में डेली अप्लाई करने से आप खुद देख पाएंगे आपको जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है, स्किन में ग्लो है, स्किन टाइट है, फ्रेश है, 100% नेचुरल एंड वेरी इफेक्टिव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जापानीज कोरियन लोगों ने अपने स्किन केयर में, हेयर केयर में चावल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो बाल है, स्किन है, वो एक हेल्दी स्टेट में रहे। अभी तो मार्केट में राइस से बने बहुत सारे क्रीम, मॉइस्चराइजर, टोनर, सीट मास्क अवेलेबल है जो होता है बहुत ही कॉस्टली। आज हम इस पोटेंट राइस वाटर को यूज करके एक बेहतरीन क्रीम बनाने वाले हैं जो होंगे नॉन स्टिकी, अमेजिंग रिजल्ट देने वाले हैं ये क्रीम। तो चलिए प्रिपरेशन देख लेते हैं। आपको लेना है चावल, कोई सा भी राइस चलेगा, आप अपने हिसाब से इसे ले लेना है। इसे अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसमें पानी ऐड करके कुक करना है। नॉर्मली आप जैसे चावल पकाते हैं वही आपको करना है। जब ये पक जाए, अगर हल्का भी पक जाए तब भी चलेगा, देन इसे स्ट्रेन कर ले, किसी भी तरीके से पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अच्छा, अब पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब एक बोल में आपको लेना है 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ये वाला राइस वाटर और इन दोनों को करना है अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें ऐड करना है 2 विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा रोज वाटर। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फ्रिज में 4 to 5 डेज के लिए कोई सा भी बॉटल में स्टोर करके रख दे। आप चाहे तो इस क्रीम में अपने स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। आपको इसे थोड़ा सा लेना है और अपने क्लीन फेस में अच्छे से मसाज करके लगाना है जिससे ये राइस वाटर वाला जो क्रीम है स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। अब इसे कब लगाना है, डे एंड नाइट दोनों टाइम में आप इसे लगा सकते हो। अगर डे टाइम में इसे लगाना भूल भी जाते हो, नाइट में इसे लगाना मत भूलना। ये क्रीम करता क्या है, राइस के अंदर जो न्यूट्रिशंस पाया जाता है वो हमारे स्किन के टेक्सचर को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है। फाइन लाइंस, रिंकल्स को हटाता है, स्किन को टाइट करता है। अगर स्किन डल है, ग्लो नहीं है, पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है, उन सभी को ये ट्रीट करता है, एक क्लियर हेल्दी ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।